Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shumaila Najam. Wa alaikum assalam, Shumaila Najam. How are you? I'm good. Okay, me too. I'm good as well. Because mere saath hai Asad Yaqub. Yes. So good hona hi hai. Yeah, that's one of the reasons. Exactly. Haan ji, kyunki maine apna channel bhi to chalaya na, isliye mujhe Asad Yaqub par chahiye. Okay. Acha, Asad, mera na aaj ka question ye hai aapse ki jo IELTS ki hum answer sheet hoti hai, especially aapko pata hai jaise reading and listening and reading ki jo humne fill karni hoti hai, usme कई स्टूडेंट बहुत सी मिस्टेक्स कर देते हैं. ठीक है, एक तो आप हमें ये बताइएगा किस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, और दूसरा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमें उसको फिल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. ऑलराइट, पहली बात तो ये है कि आपने आंसर शीट जो फिल करनी है वो अपने लेड पेंसिल से करनी है. अच्छा. ये आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी देंगे. आंसर शीट को फिल करने के बारे में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. आपको जो एग्जाम सुपरवाइजर है वो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देंगे, और इनविजिलेटर्स जो है वो मेक श्योर करेंगे कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. तो पहली बात तो ये है कि आपने लेड पेंसिल यूज करने. सेकंड, अगर आप ये पेपर बेस्ड पे आंसर शीट होती है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड में तो आंसर शीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अच्छा, दूसरे नंबर पे आपके जो आंसर्स हैं कोशिश करें कि ऑल कैपिटल लिखें, क्योंकि जब आप ऑल कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि जो बॉक्स है ना, बॉक्स से अबव द बॉक्स, बिलो द बॉक्स, यानी आउटसाइड द बॉक्स अगर आपने कोई भी लेटर लिख दिया या आपके जी की टेल नीचे को निकल आई, उसको रिमूव कर देते. अच्छा. तो आउटसाइड द बॉक्स कुछ नहीं लिखना. तो अगर आप कैपिटल लेटर्स लिखेंगे तो आउटसाइड द बॉक्स कुछ नहीं जाएगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज ये होगी. दूसरा, अगर आंसर है ना आपका ए बी सी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ए बी सी ही लिखना है. बस का तो होता है ए कैट, बी डॉग, सी डक. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए बी लिख देते हैं, साथ कैट भी लिख देते हैं. अच्छा. तो राइट आंसर उनका गलत हो जाता है. और जब आपने ये लेबल्स यूज करने ए बी सी डी, तो ये हमेशा कैपिटल में होने चाहिए. ए कैपिटल में, बी कैपिटल में. और एक चीज का खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 पे ही आए, 5 का आंसर 5. कुछ लोग क्या करते हैं, सीरीज में आंसर लिखना शुरू करते हैं, एंड पे उनको होता है कि ये तो 40 पे पहुंच गया तो मेरा एक आंसर तो भी आया ही नहीं है. तो पता चलता है कि पीछे से तरतीब खराब हो गई थी. तो ये मेक श्योर करना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बॉक्स नंबर 9 पे ही जाए. अगर 9 का आंसर 10 पे गया तो वो आपकी पूरी आंसर शीट खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आंसर शीट ही चेक करनी है, उन्होंने आपकी क्वेश्चन बुकलेट नहीं चेक करनी. एग्जैक्टली. और दूसरे नंबर पे आपकी जो आंसर शीट है, कोशिश करें उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. अगर आप गूगल पे जाएं, वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगी 1200 मोस्ट कॉमनली रिपीटेड वर्ड्स इन आईएलटीएस लिसनिंग. उन वर्ड्स को, 4 पेजेस हैं, उसको प्रिंट करवाएं, उन स्पेलिंग को याद कर लें. और मुझे श्योर है कि उसमें से 70-80% वर्ड्स के स्पेलिंग्स आपको आते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स हैं, अब आजकल स्टूडेंट्स को लिटर के स्पेलिंग नहीं आते. लिटर का वर्ड नहीं आता, गार्बेज का वर्ड आता है, ट्रैश का वर्ड आता है, लिटर का वर्ड नहीं आता. लिटर के स्पेलिंग क्या होंगे, इस तरह के जो कन्फ्यूजिंग स्पेलिंग है ये आपको आने चाहिए, ये आप कर लें. अगर आपकी और पार्ट 1 और पार्ट 4 में आपके स्पेलिंग इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट 2 और 3 में आपने लेबल्स ही लिखने हैं, ए बी सी डी लिखने हैं, तो उसके लिए अपने स्पेलिंग इंप्रूव कर लें. आंसर शीट को विद इन टाइम फिल करें. लिस्टिंग में 10 मिनट्स मिलते हैं, 7-8 मिनट्स में. और जब आंसर शीट फिल करनी है तो जो आपने अपने लिस्टिंग के आंसर्स क्वेश्चन बुकलेट में लिखने हैं, उनको चेक भी कर लेना है कि मेरा आंसर ठीक जा रहा है, कहीं कोई एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं मैंने लिख दिया. और रीडिंग में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा. हाँ, तो रीडिंग में सेम टाइम पे 1 घंटे में, 1 आवर में आपने पूरी अपनी आंसर. अच्छा सर, एक और चीज़ की, रीडिंग में तो आपके जो है गुंजाइश नहीं होगी स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की, क्योंकि आपने एग्जैक्ट तो आंसर वहां से लिखना. रीडिंग में नहीं होगा, सिर्फ लिस्टिंग में. अगर उसमें भी कर देते हैं तो फिर हम कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर जुतियां दी काट. Yeah, exactly. अच्छा असद, एक और क्वेश्चन है, अगर आंसर शीट बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलत हो जाता है, जैसे आप शुरू करते हैं साथ ही, तो क्या आप दूसरी डिमांड कर सकते हैं? अगर तो लिस्टिंग के टेस्ट में शुरू में ही, जैसे आपने आंसर्स ट्रांसफर किए, 2-3 आंसर्स के बाद आपको लगा मिस्टेक होगी, आप उनसे रिक्वेस्ट करें, इमीडिएटली वो आपको आंसर शीट दे देंगे. अच्छा. थोड़ा बहुत नखरे करेंगे लेकिन दे देंगे. लेकिन अगर रीडिंग में जाके आप गड़बड़ करते हो, क्योंकि आंसर शीट की एक साइड पे लिस्टिंग के आंसर्स हैं, एक साइड पे रीडिंग के, रीडिंग में लिस्टिंग के आंसर शीट को छेड़ना लड़की छेड़ने के बराबर है, मतलब उस पर पेनल्टी है कि लड़की छेड़े और आप पकड़े गए. हाँ, पकड़े गए, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो वो जो है ना, वो बड़ा डेंजरस है. तो लिस्टिंग के टाइम पे लिस्टिंग की आंसर शीट, और वो वैसे भी ना एक साइड पे ग्रीन होता है, एक साइड पे ब्लू होता है, तो वो पता चल जाता है उनको कि ये ब्लू साइड निकाली है, ग्रीन निकाली है, गाइड भी कर देते हैं. हाँ जी, एग्जैक्टली. तो अगर तो ये गड़बड़ आपकी लिस्टिंग के टाइम पे हुई है, आप आंसर शीट चेंज करवा लें लिस्टिंग की और रीडिंग की, और अगर रीडिंग के टाइम पे हुई है तो उसको अरेज करें और दोबारा लिखें. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताइए
करिएगा कि ये आंसर शीट चेक कैसे होती है। ऑल राइट, बहुत सिंपल है। आपकी आयल्स की जितनी भी आंसर शीट्स हैं तीनों मॉड्यूल्स की, लिस्निंग, रीडिंग, राइटिंग की, ये सबसे पहले स्कैन होती है। स्कैन करने के बाद जो कैम्ब्रिज का आयल्स का पोर्टल है ये उस पोर्टल पे चली जाती है। उसके बाद रिमोट स्टेशंस हैं इनके जहाँ पे एग्जामिनर इसको चेक करते हैं। आईडीपी का जो सेंटर है वो ऑस्ट्रेलिया में है और कैनेडा में है, यानी वहाँ पे डे नाइट का डिफरेंस है, 24 घंटे काम होता है। ब्रिटिश काउंसिल का जो है वो इंग्लैंड में, वहाँ पे उनके एग्जामिनर बैठे हुए हैं, वहाँ पे एग्जामिनर्स के सामने स्क्रीन है। अच्छा, एग्जामिनर को नहीं पता कि जो मैं राइटिंग चेक कर रहा हूँ ये टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट हुआ, ये स्टूडेंट की नेशनैलिटी क्या है, इसका एज ग्रुप क्या है, किस तरह से राइटिंग वाले एग्जामिनर को नहीं पता कि स्टूडेंट का स्पीकिंग में क्या बेंच स्कोर है। वो ये सारी चीजें ना छुपा के रखते हैं ताकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है इन्फ्लुएंस्ड ना हो कि बेंच स्कोर ज्यादा दे। अब देखे ना, एक अगर पाकिस्तानी एग्जामिनर है उसको पता चल गया कि कैंडिडेट भी पाकिस्तानी है, उसको कोई बेनिफिट दे दे। अगर श्रीलंकन एग्जामिनर है उसको पता चल जाए स्टूडेंट भी श्रीलंकन है तो इसको अच्छा बैंड देना है, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट। अच्छा असद, मैंने ना एक चीज सुनी थी, मुझे ये नहीं पता कि कितने परसेंट ये वाकई है कि नहीं। मैंने सुना था कि अब जो है ना ये शीट्स कंप्यूटर ही चेक कर रहे हैं। नहीं, कंप्यूटर चेक नहीं कर रहे अभी भी ये चेक, क्योंकि हमारी जो लिखाइयां है ना वो कंप्यूटर नहीं चेक कर सकते। लेकिन जो लिस्निंग की कंप्यूटर डिलीवर्ड की लिस्निंग की आंसर शीट है और जो रीडिंग की आंसर शीट है वो कंप्यूटर ही चेक करता है। अच्छा अच्छा। और आगे चल के मुझे लग रहा है कंप्यूटर डिलीवर्ड में स्पीकिंग में और राइटिंग में भी अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ना आपका स्पीकिंग और राइटिंग का बैच को डिपेंड कर रहा होता है एग्जामिनर पे। अभी एक स्टूडेंट ने मेरा ईओआर फिल किया, ये उसका लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसके लेटर के मुताबिक उसका स्पीकिंग में बैंड स्कोर 5 से 6 पे गया। अच्छा। यानी एक एग्जामिनर ने 5 बैंड दिया, आपने 5 दिया, मैंने उसी को सुन करके दोबारा 6 बैंड स्कोर दिया। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं ना ये काफी ज्यादा है, तो अगर ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आते हैं, जैसे पीटी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको फूल करना भी आसान है, ठीक है, तो या अगर इसमें आ जाता है और ये देख लेते हैं कि ब्रीच ना हो सिस्टम, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं इनमें, मतलब हर एक में ना, आप देखें, आप एक दयालु एग्जामिनर हैं, आप जेनरस हैं, आप अच्छा बैंड देंगे। हाँ जी। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट माइंड का हूं तो मैं कम बैंड दूंगा, तो 1 बैंड से लेकर इवन 2 बैंड्स तक का डिफरेंस मैंने देखा है। अच्छा। कि एक एग्जामिनर ने 5 दिया, दूसरे ने उसी को 7 दिया। बल्कि आपकी अफ्रीका से एक स्टूडेंट थी, उसका मेरा ख्याल है 2 के 3 बैंड का फर्क हुआ था। एग्जैक्टली। तो ये चीज है, इसका ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको ये मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, क्योंकि अभी अभी हमने ये शुरू किया, आप हमारे माइक्स देख सकते हैं। तो असद याकूब अपनी वीडियोस बना रहे थे तो मैंने कहा साथ में अपने चैनल के लिए बहुत अच्छा, और शुमाइला के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए एक वैरायटी है, मतलब मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे माशाल्लाह 6000 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो शुमाइला के चैनल पे भी मेरी ही वीडियोस हैं, ठीक है, उतों ही आई हैं, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इनका एक अपना स्टाइल है, एक अपना वे ऑफ थिंकिंग है, और मेरा आइडिया होता है आइडिया। अभी इन्होंने अभी मुझसे एक राइटिंग पे वीडियो बनवाई है और मैं बाद में इनसे लड़ पड़ा कि 20 मिनट की वीडियो यार, मैं हर चीज बताना चाह रही थी ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ पता हो। मैं नवा नवा चैनल है, हाथ थोला रखी है, 20 मिनट मुझसे बुलवा बुलवा इसने मुझे थका दिया, बल्कि मैं नाराज भी हो रहा था कि ये क्या। लेकिन लाइक यू नो, ये दिल से वीडियोस बनाती हैं, अच्छी चीज जो है ना इनके बारे में कि जो भी काम करती हैं दिल से करती है, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इनकी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। ना कर पगली, अब तो रोना आ रहा है। ऑल राइट, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, लव यू, अल्लाह हाफिज़।